अगर आपकी कलर जाम होती है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और ब्लैक जाम होती है तो ब्लैक भी चेंज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंक टैंक प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। ज़्यादातर अभी जो कंपैरिजन में चलते हैं और ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो कैनन का Z3000 और एप्सन का L3250। ये दोनों मॉडल एप्सन और कैनन का ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और ये कंपैरिजन वाले मॉडल है कि इसमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और किसी ने भी बात नहीं कही होगी वैसी बात आज इस वीडियो में होने वाली है कि ये क्यों बेस्ट कौन सा प्रिंटर है। अब दोस्तों ऐसे ही यूजफुल और टेक्निकल वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। और ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कैनन Z3000 और एप्सन L3250 की बात करें तो ये दोनों ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आपको प्रिंट, स्कैन, कॉपी मिल जाती है। इसमें आप जेरोक्स भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी पेपर साइज की बात करें तो दोनों का पेपर साइज सेम है। आप 4x6 से लेके A4 लीगल तक A5 तक आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। छोटी की छोटी प्रिंट 4x6 निकाल सकते हो और बड़ी साइज लीगल निकाल सकते हो। ये दोनों प्रिंटर में आपको ड्यूप्लेक्स नहीं मिलने वाला है। ड्यूप्लेक्स, ऑटो ड्यूप्लेक्स क्या होता है, एक ही बार में दोनों साइड प्रिंट कर देता है, वो नहीं है। ऑटो ड्यूप्लेक्स वाले मॉडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप बाद में देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें आपको पेपर ट्रे नहीं मिलने वाली है। पेपर आपको मैन्युअली ऊपर रखना होगा, जो इसकी बाहर की साइड आता है वहां से पेपर ये पिकअप कर लेता है। वहां पेपर की साइज 20 से 50 पेपर आप वहां दोनों प्रिंटर में रख सकते हो। इसकी बड़ा वाला जो मॉडल आता है उसमें पेपर ट्रे आपको मिलता है। अब दोस्तों ये बात इसकी हो गई, तो ये जब कंपैरिजन वाली बात यहाँ पे जो आती है इसकी कॉपी स्पीड में आती है, कॉपी कॉस्ट में आती है और इसके मेंटेनेंस में ज़्यादातर जो इसमें बात आती है वो कंपैरिजन वाली बात आती है। अब दोस्तों इसकी स्पीड की बारे में बात करें तो यहाँ पे कैनन 1 मिनट में ब्लैक एंड वाइट 8-10 प्रिंट करती है और कलर 6-8 प्रिंट करती है। यानी कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हो तो कैनन मॉडल में 10 अराउंड प्रिंट निकल जाती है और कलर की बात करें तो 8 अराउंड निकल जाती है। अब एप्सन की बात करें तो एप्सन 1 मिनट में 30 कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट निकाल देता है और कलर 18-20 पेजेस आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये एप्सन क्यों इसमें प्रिंट में आगे है, प्रिंट स्पीड में आगे है, क्योंकि इसमें हेड आ जाता है। हेड के जरिए आप यहाँ देख सकते हो, हेड के जरिए प्रिंट करता है और कैनन की बात करें तो कैनन में कार्टिज आ जाती है। ये हेड जैसी होती है लेकिन ये कार्टिज आ जाती है। ये कार्टिज में क्या बेनिफिट है वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी कॉपी कॉस्ट के लिए इसकी पेज यील्ड देखना जरूरी है। ये पेज यील्ड क्या होता है, आपने एक बार इसकी जो इंक टैंक फुल कर दी तो कितनी प्रिंट निकल जाती है वो इसकी इंक टैंक, इसकी पेज यील्ड आ जाती है। दोस्तों पेज यील्ड के बारे में बात करें तो कैनन यहाँ पे कंपनी ऐसा बताती है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हो तो 6000 निकल जाती है और कलर प्रिंट करते हो तो 7000 निकल जाती है। अब एप्सन की बात करें तो एप्सन ने यहाँ पे कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट 4500 बता दिया है और कलर की बात करें तो 7000 बता दिया है। लेकिन दोस्तों ये पेज यील्ड क्यों मायने नहीं रखती है, क्योंकि पेज यील्ड में क्या होता है, हमारा वर्क कैसा है उस पर डिपेंड होता है। हम फुल कलर का प्रिंट निकालेंगे तो पेज यील्ड कम आ जाएगी। अगर आपका स्टूडेंट का वर्क है, सिर्फ राइटिंग प्रिंट करना है तो आपकी इंक टैंक की जो इसमें इंक होती है वो सबसे ज़्यादा चलती है। लेकिन दोस्तों हम इंक टैंक में अराउंड बात करें तो आप ऑलराउंडर का इसमें वर्क करते हैं। आपका स्टूडेंट का वर्क है तो आप इसमें मोबाइल से भी प्रिंट निकालते हैं, फोटो प्रोजेक्ट का भी वर्क करते हैं, जो वैसा ही वर्क हमारे शॉप के लिए भी होता है। तो अराउंड दोनों प्रिंटर में 4000 से 500 प्रिंट ही निकलती है, यानी कि 4000-5000 प्रिंट निकल जाती है। आप इसके अराउंड जो भी इसमें इंक डालते हो वो पेज यील्ड आपकी आ जाती है। आपकी ब्लैक इंक ज़्यादा यूज होती है तो ब्लैक इंक अराउंड आप इसमें पेज यील्ड देख सकते हैं। और दोस्तों कॉपी कॉस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऐसा बताती है कि कैनन में 15-20 पैसे अराउंड पर प्रिंट इसमें विदाउट पेपर आ जाता है। और एप्सन की बात करो तो एप्सन भी 18-20 पैसे अराउंड इसकी पेज यील्ड यानी कि प्रिंट कॉस्ट बता देती है। अब दोस्तों ये दोनों प्रिंटर की मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे कैनन में
जो इसका वेस्ट इंक पेड आता है, आप ज्यादातर 10,000-11,000 प्रिंट निकाल देते हो तो इसकी जो वेस्ट इंक होती है वो मशीन में वेस्ट का एक डब्बा आ जाता है, उसमें जाम होती है, वो वेस्ट इंक आपको चेंज करना होता है। अब कैनन की बात करें तो कैनन के यहाँ पे जो नए मॉडल आ गए हैं उसमें जो मैन्युअली वेस्ट इंक पेड जो दे दिया है, वेस्ट इंक पेड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और एप्सन की बात करें तो एप्सन में मशीन के अंदर आ जाता है, प्रिंटर के अंदर आ जाता है, तो आपको ये सर्विस स्टेशन ले जाना होता है, वहाँ जाके इसकी सर्विस करवानी होती है। अब दोस्तों ज़्यादातर ये दोनों की कॉस्ट आप एप्सन में चेंज करने जाओ तो भी इतना ही खर्चा होता है, आप कैनन का मैन्युअली चेंज करो तो भी उतना ही खर्चा होता है। और दोस्तों इसका कोड भी आता है, आप अपने कंप्यूटर में भी रिसेट कर सकते हो, वैसे करो तो भी हो जाता है, उसका वीडियो हम जल्दी से लेके आएंगे, वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब दोस्तों यहाँ पे हेड आ जाता है एप्सन में और कैनन में कार्टिज आ जाती है। हेड थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला होता है, हेड का लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कार्टिज का लाइफ थोड़ा सा कम होता है, उसके मुकाबले इतना ज़्यादा कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बार आप एप्सन प्रिंटर परचेस करते हो तो इसका हेड एक बार जाम हो जाता है, अगर इसका हेड खराब हो जाता है तो आपको हेड नया डालना होता है। अराउंड आपका प्रिंटर का प्राइस 30,000-40,000 अराउंड है तो इसका हेड की प्राइस 60-70% होती है, यानी कि 6,000-7,000 इसका हेड का प्राइस होता है, हेड ज़्यादा होता है, इसीलिए ये प्रिंटर यूज एंड थ्रो वाला प्रिंटर है। और दोस्तों कैनन की बात करें तो कैनन में आप कार्टिज दो तरह की आ जाती है, आप कलर भी डिफरेंट आ जाती है और ब्लैक एंड वाइट भी डिफरेंट आ जाती है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी कलर जाम होती है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और ब्लैक जाम होती है तो ब्लैक भी चेंज कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट वाली बात है। और दोस्तों इसके एप्सन के मुकाबले इसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, इसकी प्राइस अराउंड 2000 अराउंड आ जाती है, उससे शायद कम भी होगी। और दोस्तों ये ज़्यादातर हम जब क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा सा प्रिंटर यूज़ होता है, थोड़ी सी लाइनिंग आने लगती है तो हम जब क्लीन करते हैं तो एप्सन में, जो एप्सन की बात करें तो एप्सन में पूरा का पूरा चारों कलर सेम वाई के कलर क्लीनिंग होता है, तो जो इसकी इंक होती है वो भी थोड़ी वेस्ट हो जाती है। अब कैनन की बात करें तो कैनन में आप ब्लैक चाहो तो ब्लैक क्लीनिंग कर सकते हो और कलर चाहो तो कलर क्लीनिंग कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी इंक सेविंग होने वाली है। अब दोस्तों ये दोनों प्रिंटर की प्रिंट की बात करें, हम प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो एप्सन का जो मॉडल होता है वो ज़्यादातर स्टूडियो वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी हाई आती है हेड के जरिए। और कैनन की बात करें तो कैनन भी क्वालिटी एकदम बेस्ट आने वाली है, क्वालिटी भी हाई आती है। लेकिन दोस्तों इनमें से ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट वाले वर्क करते हैं, ऑफिस का वर्क होता है, ये लोग ये पसंद करते हैं। और दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको कलर वर्क करना है, ब्लैक एंड वाइट वर्क करना है, आपका मल्टीमीडिया का वर्क है, कौन सा वर्क है उस पर ज़्यादातर डिपेंड होता है। आपको लंबा प्रिंटर चलाना है, कम प्रिंटर चलाना है, आपको एक साल के लिए चाहिए, दो साल के लिए चाहिए, तो आप कोई भी अपने प्राइस से अराउंड प्रिंटर चूज कर सकते हो। एप्सन का थोड़ा महंगा होता है और कैनन का थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाता है। दोस्तों ये दोनों प्रिंटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। और दोस्तों कौन सा आपको पसंद आया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, आपका कोई भी सुझाव है तो जरूर से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।